Preparation of haloarenes or aryl halides. First method is by halogenation of benzene. In this method, chlorobenzene and bromobenzene can be easily prepared by direct chlorination or bromination of benzene, and the reaction is carried out in dark at ordinary conditions of temperatures in the presence of Lewis acid as catalyst. For example, benzene ka reaction karenge hum halogen ke saath, chlorine ya bromine molecule ke saath, in the presence of Lewis catalyst such as AlCl3 or FeCl3. Yahan pe agar bromination karni ho to hum Br3 lenge, AlBr3 या FeBr3, और फॉर्मेशन किस चीज की होगी? फॉर्मेशन होगी क्लोरोबेंजीन की, क्लोरीनेशन जब हम करते हैं, और यहां पे HCl निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से क्लोरीन कैरी होगा और हाइड्रोजन बेंजीन का निकलेगा, को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बन करके Cl पॉजिटिव बन करके बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, H यहां पे रिप्लेस हो जाएगा और HCl निकल जाएगा और एक Cl बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह हम ब्रोमिनेशन भी करते हैं, इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं बेंजीन का हैलोजन्स के साथ। अगर यहां पे हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं तो ऑर्थो डाइक्लोरो और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन की प्रिपरेशन होती है सेम कंडीशंस में, और अगर हमारे पास टॉलिन है, टॉलिन की अगर हम हैलोजिनेशन करते हैं तो टॉलिन के केस में ऑर्थो क्लोरो और पैरा क्लोरो टॉलिन की फॉर्मेशन होती है, इसका भी रिएक्शन यहां पे इसी तरह से होगा AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो जो फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑर्थोक्लोरोटोलिन यहां पे प्लस पैराक्लोरोटोलिन, तो ऑर्थो और पैराक्लोरोटोलिन की फॉर्मेशन होती है CH3, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा और HCl यहां पे बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। तो ये था हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से किस तरह से हम हैलोएरीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन भी सेम कंडीशंस में होगी, Br2 के साथ रिएक्शन होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम आयोडीनेशन। आयोडोएरीन्स की अगर हम प्रिपरेशन करना चाहें तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको प्रिपेयर करना, क्योंकि जो रिएक्शन है आयोडीन के साथ बेंजीन का वो रिवर्सिबल होता है, जैसा एल्केन्स में हमने डिस्कस किया था। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास एरीन होता है मींस बेंजीन होता है, बेंजीन को जब हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन देता है जिसमें आयोडो बेंजीन की फॉर्मेशन तो होती है लेकिन साथ में जो बाय प्रोडक्ट के रूप में HI बनता है, ये HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये फिर से आयोडो बेंजीन के साथ रिएक्ट करके बेंजीन की फॉर्मेशन कर देगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, जो HI को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो प्रोडक्ट साइड में बनता है, जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। आयोडिक एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, HI से आयोडीन को लिबरेट कर देता है और हमारे पास जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाता है। तो इस तरह से हम बैलेंस कर देंगे इस रिएक्शन को 3I। तो ये था आयोडीनेशन, जब भी हम बेंजीन की करते हैं आयोडो बेंजीन की प्रिपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यील्ड अच्छी नहीं आती है इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से, तो इस रिएक्शन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। ये जो अभी हमने हैलोजिनेशन किया, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, ये हम डार्क में करते हैं। अगर हम सनलाइट में रिएक्शन को करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो साइड चेन में चली जाती है। तो अगर हमें टॉलिन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करना हो, टॉलिन के साथ टॉलिन CH3, वो रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ करते हैं और डार्क में ना करके आप इसको सनलाइट में करते हैं, 383 केल्विन कंडीशन रहती है टेम्परेचर की, तो यहाँ पे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होती है, मींस डायरेक्ट हैलोजन बेंजीन से अटैच ना हो करके टॉलिन का जो CH3 है इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हैलोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और HCl एक निकल जाएगा। नेक्स्ट हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हैलोएरीन्स की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स को हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हम जानते हैं, इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। हैलोएरीन की प्रिपरेशन के लिए जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं एनिलीन से। एनिलीन का रिएक्शन हम करते हैं आइस कोल्ड कंडीशंस में डाइल्यूट HCl और एक्व सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइड के साथ, लो टेम्परेचर कंडीशन में होता है ये, इसीलिए हम इसको आइस कोल्ड कंडीशन बोलते हैं। सोडियम नाइट्राइड क्या करता है, NaNO2 और HCl ये आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन
हैलोजनेशन करते हैं HONO और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड निकल जाता है NaCl, इस तरह से यहाँ से NaCl निकल जाता है और HNO2 बनता है। ये जो HNO2 यहाँ पे बना जिसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, ये एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है। एनिलीन के साथ HONO का रिएक्शन होगा, साथ में HCl भी है इस रिएक्शन के अंदर आइस कोल्ड कंडीशन में, और ये फॉर्मेशन देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव, ये बनता है। प्लस यहाँ पे H2O वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है जब हम हेलोएरिन्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इसी रिएक्शन को हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना इसको हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे हेलोएरिन की फॉर्मेशन के लिए, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे N2Cl, और इसका रिएक्शन अगर हम करते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ Cu2Cl2, तो ये हमें रिजल्ट करता है, मींस प्रोडक्ट देता है क्लोरोबेंजीन। नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाता है। अगर हम कॉपर ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, तो ये आप खुद कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसी स्टार्टिंग मटेरियल से मींस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, या इसका रिएक्शन हम क्या करते हैं KI के साथ करते हैं, थोड़ा सा इसको हम एक्वस कंडीशन में लेंगे पोटासियम आयोडाइड को और वार्म करेंगे थोड़ा सा इसको, तो ये हमें देगा आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है फिर, प्लस यहाँ से N2 और KCl निकलता है, ये KCl निकल जाएगा, N2 अलग हो जाएगा और आइडोबेंजीन यहाँ पे बनेगा। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है कॉपर, ये जो क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ, इसको हम बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं कॉपर के साथ, और वो कॉपर भी हम पाउडर के रूप में लेंगे, कॉपर पाउडर, और इसमें थोड़ा सा HCl डालेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर से क्लोरोबेंजीन बनेगा, प्लस यहाँ पे N2 निकल जाएगा। लेकिन ये डिफरेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो नाम है वो गेटरमैन रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन। इसमें कॉपर क्लोराइड की जगह कॉपर पाउडर यूज होता है HCl के साथ। अगर हमने यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन की प्रेपरेशन करनी है, तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए फिर से हम क्या लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन हम करते हैं हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ HBF4 के साथ, और टेम्परेचर कंडीशन ये रहता है, लगभग आइस कोल्ड कंडीशन ही होती है। अभी फॉर्मेशन होती है, अनस्टेबल एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें HBF4 यहाँ से क्या होता है HCl निकल जाता है। ये देखिए आप, ये HCl यहाँ से निकल जाएगा और जो BF4 है वो ऊपर Cl की जगह लग जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये अनस्टेबल कंपाउंड एक बनता है जिसको अगर हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, और जो टूटने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लस N2। तो यहाँ से BF3 निकल जाएगा, फ्लोरीन एक अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन की जगह और फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन देगा। ये एक अलग नेम रिएक्शन है जिसका नाम है बेल्स शीमैन रिएक्शन। तो फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। नेक्स्ट प्रेपरेशन है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक जैसा हमने हेलोएल्केन में किया था कि यहाँ पे हमने एरोमेटिक सॉल्ट लेना, एलिफेटिक नहीं लेना, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, ये सिल्वर बेंजोएट नाम है इसका, सिल्वर बेंजोएट का रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिफ्लक्स करेंगे हम इसको, और क्या होगा यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, प्लस बिल्कुल जैसा हमने हेलोएल्केन में किया था उसी तरह से करेंगे। यहाँ से AgBr निकल जाता है, CO2 गायब हो जाती है और एक ब्रोमीन बेंजीन से जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, जैसा हम जानते हैं, हंसडिकर रिएक्शन। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, ये हेलोएल्केन के लिए भी काम आता है और यहाँ भी काम आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने बेंजीन को लेना है सिल्वर सॉल्ट में, वहाँ पे हमने अल्काइल ग्रुप लेना होता है। लास्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम राशिग प्रोसेस। इसमें हम कमर्शियली क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, बेंजीन का रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, और यहाँ पे थोड़ा सा एयर का यूज भी होता है। बेंजीन
मिक्सचर लेते हैं, मीन्स बेंजीन वेपर्स का, एयर का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। तो थोड़ा सा हीट करते हैं हम इस रिएक्शन को, तो हमें जो फॉर्मेशन मिलती है वो क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है टू टाइम्स। क्लोरोबेंजीन भी यहाँ टू टाइम्स यूज होता है और टू टाइम्स ही बेंजीन टू टाइम्स यूज होता है और क्लोरोबेंजीन भी टू टाइम्स यहाँ पे प्रिपेयर होता है, टू टाइम्स क्लोरीन है। बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को तो HCl भी यहाँ दो मॉलिक्यूल्स होंगे। इस रिएक्शन को बोलते हैं राशिक प्रोसेस और ये कमर्शियली हम अगर क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करना है तो कमर्शियली इस मेथड को हम यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये H यहाँ से दो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो दो H यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें कि दो H यहाँ से निकलेंगे, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो ही ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और दो H HCl में हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल ये जो बनता है यहाँ पे, ये फॉर्मेशन होती है 2H2O की और जो HCl में दो क्लोरीन्स हैं वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं हाइड्रोजन की जगह। तो ये था हेलोएरिन्स की प्रेपरेशंस, कैसे हम हेलोएरिन्स को क्लोरीनेशन से या ब्रोमिनेशन से या आयोडीनेशन बेंजीन की करते हैं, किस तरह से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से स्टार्टिंग मटेरियल लेके सैंडमेयर रिएक्शंस, गैटरमैन रिएक्शंस, बेल सीमेन रिएक्शंस से हेलोरिन्स की प्रिपरेशन करते हैं, और लास्टली हमने होन्सडिकर रिएक्शन और राशिक प्रोसेस से किस तरह से क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करना है, मीन्स हेलोरिन्स को प्रिपेयर करना है। थैंक यू।